वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर एंडस्टैंड इन क्रेडिट फाउंडेशन ग्रुप। ये हम लोग का जो चैनल है आपके लिए वन टू वन वीडियो को डाल रहा है, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है पढ़ाई के दौरान, जो भी आपको कहीं कहीं कन्फ्यूजन होते हैं, आप अपने क्लास में आप हिचकिचाहट के चक्कर में नहीं पूछ पाते होंगे। सर लोग बोलते भी होंगे कि आप पूछिए, बट आप पूछने का काम ही नहीं करते हैं, पूछना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को हेजिटेशन होता है। इन सब से हट करके हमारा ये प्रयास रहा है कि मैं वन बाई वन एक वीडियो को अपलोड करूं, और जिसमें कि आपके कन्फ्यूजन, क्योंकि हम भी पहले कभी स्टूडेंट रहा करते थे, मेरे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन हुआ करते थे, उसको मैं यहाँ पे दूर करना चाहूँगा। ओके स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो पावर ऑफ लेंथ को लेकर के है। पावर जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो डायस्टर होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, इसे लिखेंगे कैपिटल डी से। पावर मीन्स एक कंसेप्ट याद कर ले कि पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में दो क्वेश्चन हैं, लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या 16, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ पावर। इसमें दिया हुआ है पावर कितना दिया हुआ, -2d दिया हुआ है, -2d दिया हुआ है, ठीक है ना। और पूछ रहा है क्या इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है ना। कुछ सोचना नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, पावर बराबर क्या होता है, 1/2 फोकल लेंथ। जब हम लोग पावर को निकालते हैं तो फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे बाबू, मीटर में, ठीक है ना। यानी कि पावर अपना जो है यहाँ पे कितना, देखो वैल्यू को बैठा दो तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 है। देयरफॉर एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5। माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ पे साइन को लगाना जरूरी है। साइन का मेंशन आपके लिए हर पॉइंट पे जरूरी है। तो किसमें आ गया बाबू, तो मीटर में आ गया। किसमें आ गया, मीटर में। अब आपसे बोलेगा क्या ये लेंथ कौन सा होगा, तो फोकल लेंथ के बारे में आपको मैंने कल बताया था, स्क्रीन यहाँ पे आ रहा है। फोकल लेंथ के लिए बताया था क्या, ये अगर कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है तो लाइट को क्या करता है, देखो डाइवर्जिंग लेंस होता है, एपियर यहाँ पे होता है, मीट करता है ना, तो इसका जो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी लेंस कैसा होगा बाबू, तो कनकेव लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। जैसे आप लोग बाजार में चलते हैं या ट्यूशन कोचिंग कहीं पढ़ते होंगे, कोई बच्चा मान ले स्टूडेंट को एक चश्मा लगा करके आता है, तो उसे पूछो कि तुम्हारा चश्मे का पावर क्या है। अगर पावर बोलेगा 0.25 या 2d बोलेगा, जो भी बोलेगा, माइनस में या प्लस में बोलेगा, तो आप उससे उसको फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 16 नंबर क्वेश्चन से कम्प्लीट हो चुका है। अब रहा बात 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसने क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, एक डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है करेक्टिव लेंस ऑफ पावर कितना है। एक तो डॉक्टर है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया जो उसका पावर कितना है, 1.5d। ये इसका क्या है बाबू, पावर। तो पूछ रहा है क्या उसका फोकल लेंथ क्या होगा, और जो लेंथ है वो कैसा लेंथ होगा, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए आपको कुछ कह रहा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पर आप फार्मूला क्या होगा, 1/p। फार्मूला का वैल्यू पुट करो 1/1.5। जैसे डेसिमल को आप यहाँ से हटा दो, डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ ऊपर से 10 से गुना हो जाएगा बाबू, 10 डेसिमल को हटा दो, देखो तो 5 3 15 5 2 जाओ, तो 2/3 क्या हो गया बाबू, 3। 2/3 क्या हो गया, तो मीटर हो गया। 2/3 क्या हो गया, या 0.66 मीटर हो गया। इसको आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना से हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि मीटर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब ये देखिए इसका फोकल लेंथ कैसा आया, इसका फोकल लेंथ कैसा आया, तो पॉजिटिव में आया ना, इसका वैल्यू कैसा, पॉजिटिव में। तब पॉजिटिव जो होता है फोकल लेंथ किसके लिए होता है, तो कन्वेक्स लेंस के लिए होता है। सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने खड़ा कर दिया इसका, ठीक है ना, ये है फोकस, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस इसका ही है, इसका फोकल लेंथ यानी कि ओ और एफ के बीच का दूरी,
यही पॉजिटिव में होगा, क्यों? क्योंकि जिस तरफ आपका राइट जो लाइट का रे है वो जा रहा है ना, उसी ओर आपका फोकल लेंथ भी आप मेजर कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन अगेन हम दूसरे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो फिर मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, या जहां कहीं आप मुझे मिलते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग फाउंडेशन फिर आपके लिए अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे लाइट चैप्टर से। ओके, थैंक यू।